25 लाख का होटल बुक किया आज हमने, वो भी जंगलों के बीचों बीच। लेकिन इसमें ऐसा खास था क्या, आओ सब बताता हूं। अब देखो, इंडिया से 12 घंटे की फ्लाइट लेके थके हारे मैं पहुंचता हूं नुसा पेनिडा आइलैंड पर। एंड वहां कुछ दिन एक्सप्लोर करने के बाद बोट लेकर के मैं निकल जाता हूं अपने उसी होटल की तरफ, जो कि जंगलों के इतने अंदर था कि भाई दूर दूर तक कोई घर और कोई इंसान नहीं थे। खैर, जैसे ना तैसे हम लोग होटल पहुंच जाते हैं। अब अंदर घुसते ना भाई, हमें एक बिल के अंदर सांप छुपा हुआ मिलता है। मजाक कर रहा हूँ, ये एक तरीके का फ्रूट था जो सच में एकदम सांप की स्किन जैसा ही था। अच्छा, अब होटल की बात करूँ तो इसमें कोई दीवार नहीं थी, इसको पूरा का पूरा कांच से बनाया गया था, सिर्फ किचन और वॉशरूम को छोड़कर। वेल, रात में ये रूम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक टाइम तो काफी तेज बारिश भी हुई, बट उस समय रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास फोन में चार्ज ही नहीं बचा था। एंड अगले दिन सुबह होते आ जाते हम लोग सबसे स्पेशल पार्ट पर, जिसके लिए हम लोग ने इतने सारे पैसे दिए। यस, बाली का ये हैमॉक बेड, जो कि आप लोगों ने कभी ना कभी इंटरनेट पर इस तरीके की पोस्ट तो देखी होगी। तो फिर क्या था, हम लोग भी लग जाते हैं सेटअप करने एंड ढेर सारे अलग अलग कपड़े पहन करके फोटो शूट करने के बाद कर देते हैं खत्म। वैसे जो मैंने अभी होटल की प्राइस की बात करी, ये रुपीस में नहीं बल्कि आईडीआर में था। अबे साले।